नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के अहेसा गांव, हिलोली ब्लॉक क्षेत्र का गांव पड़ता है अहेसा, जहां पर आपको बता दें शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाने का कार्य किया है रामकरण ने। एक लड़का है, कक्षा 10 का छात्र रहा है, जो 94% मार्क ला करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि कहा जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वो चेतन है, जो इसके रस पान कर लेगा वो पूरे जीवन पर्यंत पूरी तरह से अपने जीवन को चैतन्य बना करके रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात करूंगा रामकरण जी से कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षा को लेकर के मेहनत की, प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और किस तरीके से मेहनत किया, लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे। रामकरण जी, बताइए कि आपने किस स्कूल से अपनी शिक्षा की शुरुआत की? हमने वैसे तो एनएसजी स्कूल का नाम है एनएसजीएन डंडनपुर रायबरेली जी, उस स्कूल से हमने अपनी शिक्षा प्रारंभ की जो कि 10वीं क्लास में, और वहीं पर स्टडी करते रहे 10वीं क्लास तक। अब इस समय तो 12वीं क्लास में भी हैं। अच्छा, कक्षा 10 में आपने कितने अंक प्राप्त किए? क्लास 10 में मेरा जो परसेंटेज था 94.16 था। अच्छा, इसका श्रेय किसको देते हैं? पहला श्रेय किसको जाता है? पहला श्रेय तो पूज्य माता पिता के ले जाता है, और उसके बाद और स्कूल में जो अध्यापक गण हैं उनके काफी मोटिवेशन की सहायता से इस परम कर्तव्य तक पहुंच सके हैं। जो टीचर्स आपको पढ़ाए उनमें से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा रहा होगा जो आपका अति प्रिय रहा होगा? हाँ। और उन टीचरों का भी गाइडलाइन भी बहुत अच्छे से रही होगी, क्या कहना चाहेंगे टीचर्स? टीचर्स के लिए जैसे हमारा सबसे प्रिय सब्जेक्ट जो था वो मैथमेटिक्स था, उसमें हमारी काफी रुचि थी, और जो मैथमेटिक्स के टीचर थे वो भी हमें काफी मोटिवेट किया करते थे, और जैसे हमारे पिताजी भी है मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, उन्हीं की सहायता से आज हमने मैथमेटिक्स में भी सर्वाधिक अंक भी प्राप्त किए हैं। क्या बनने का लक्ष्य है, क्या सोचा है आगे चल के? तो हमने सोचा एयरफोर्स सोचा है, एक सिविल सर्विस भी सोची थी बनने के लिए। इंटर की पढ़ाई 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी इंग्लिश। अच्छा, पीसीएम से कर रहा है? हाँ, पीसीएम। ठीक, आइए बात करते हैं कि उनके पिताजी हैं रामकरण जी के, कि किस तरीके से उन्होंने बच्चे को शिक्षा दीक्षा दी, और संस्कार मूलक यदि शिक्षा दी तो कहाँ से दी, कैसे उन्होंने प्रयास किया, कैसा प्रयास रहा? भाई साहब क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश जी, बताइए कि आपने जब बच्चे को शिक्षा दिलाने का कार्य किया, एक तो शिक्षक भी हैं आप, तो किस तरह से मोटिवेट किया कि वो बच्चा पूरी तरह से क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सके, आपका नाम रोशन कर सके? जी, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी कुछ बन सकूं, लेकिन कुछ ऐसे हालात बन गए जिसके कारण मैं नहीं सफल हो सका। तो मेरी ये मतलब बचपन से ही तमन्ना थी मैं अपने परिवार को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और बहुत आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। उसी के प्रयास में मैंने मतलब हर काम को त्याग करके मैंने केवल बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया, मैंने अन्य काम को पीछे कर दिया। मेरा प्रथम लक्ष्य था पहले पढ़ाई हो, उसके बाद हर काम होगा। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के साथ में यह देखा जाए तो ये तो महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना आपका एक लक्ष्य है जी। लेकिन जिन स्कूलों में आप पढ़ा रहे हैं, क्या लगता है कि आप अपने बच्चे ही जैसा उनके साथ भी प्रयास करते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा दें, उनको संस्कार मूलक शिक्षा दें, जिससे वो भी आईएएस पीसीएस या अन्य तरफ जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो बन सके? जी जी, मैं जैसे अपने बच्चे का केयर करता हूँ वैसे मतलब हमारे सामने जितने बच्चे भी आते पढ़ने के लिए, मैं हर बच्चे और हर बहन को अपना बच्चा मान लेता हूँ, अपनी बिटिया मान लेता हूँ, और शिक्षा में कोई भी अंतर नहीं करता हूँ। जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ वैसे हर एक इंसान के बच्चे को समझ लेता हूँ, मेरा बच्चा है, मैं उसको भी वैसे ही बिल्कुल शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ। आज आपके बच्चे को लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच की टीम के द्वारा सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम सभी के आभारी हैं, आप लोग आए और हमारे बच्चे का तथा हमारा और परिवार का, समाज का और हमारे मोहल्ले का नाम रोशन किया, उत्साहवर्धन किया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच के द्वारा, टीम के द्वारा
रामकरण जी को जो 94% अंक प्राप्त किए थे हाई स्कूल में, उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर टीम उपस्थित हुई। उसी लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच के संस्थापक पंकज लोधी जी अध्यापक हैं और वो भी उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे या उसको प्रोत्साहित करने का कार्य किया, उसकी मेहनत को कहा जाए कि प्रोत्साहित करने का कार्य किया, उसको लेकर के क्या कहेंगे। पंकज जी, रामकरण जी को आप लोग सम्मानित करने के लिए आए, तो आपके समाज के ही का ही बच्चा है, सम्मानित कर रहे हो, क्या कहेंगे क्षेत्र के लड़कों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए? जैसा कि आप लोग जानते हैं और कुछ लोगों को मालूम भी है, जो हमारा मंच है लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच, जो गांव-गांव जाके लोगों को शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसके सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास और आर्थिक विकास, जो कि केवल शिक्षा से ही संभव है, शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध करता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करता है। और समाज में जो ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं हैं जो समाज उनको नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, उन प्रतिभाओं को आगे करने के लिए, उनको समाज में इज्जत मान सम्मान, ऐसे माँ बाप को मान सम्मान समाज में इज्जत दिलाने के लिए ये लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच उनके घर जाता है, उनको सम्मानित करता है, उनका हौसला बढ़ाता है और ऐसे महापुरुषों को, ऐसे दिव्य पुरुषों को, यूं कहे तो समाज के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, उन माँ बाप को लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच की पूरी टीम सादर नमन करती है, सादर प्रणाम करती है और अपने इस भाई को हौसला बढ़ाते हुए, उनका उत्साह वर्धन करते हुए परमपिता परमेश्वर से मैं यही मनोकामना करता हूँ, मेरा भाई नित नई ऊंचाइयों में आगे जाए, आगे आने वाले समय में आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर और इंजीनियर बने। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रामकरण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आगे चल के अपनी मेहनत से समाज को आगे बढ़ाएं, समाज के लिए एक आईना बने, पथ प्रदर्शक बने। आपका चेहरा देख के, आपके कार्यों को देख कर मैं उन सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, लोधी समाज के जितने भी भाई हैं हमारी आवाज को सुन रहे हैं, कम से कम समाज को आगे बढ़ाते रहें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहें। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, मेरे प्यारे भाइयों, कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, इसलिए एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। जैसा कि आपने देखा कि रामकरण जी ने जो मेहनत की, एक तो उन्होंने बताया कि पहला तो मेरे जो पहले गुरु हैं माता पिता, उन्होंने ही मुझे ऐसा निर्देश दिया, ऐसे दिशा निर्देश देने का कार्य किया, ऐसी डायरेक्शन देने का कार्य किया जिससे मैं इस लक्ष्य तक पहुंच सका। दूसरा, उन्होंने मुख्य श्रेय दिया अपने टीचर्स को, जो विद्यालय जिस स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, वहां के टीचर्स ने इनको इस तरीके से मोटिवेट किया कि ताकि वो आज 94% पा करके क्षेत्र का नाम गौरवशाली लिस्ट में दर्ज कराने का कार्य किया। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए युवा तक भारत समाचार के साथ।